लेकिन सर ये गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए में। क्या 30 लाख रुपए में? नहीं यार ऐसा तुम मजाक कर रहे हो। सर मजाक नहीं कर रहा, रियली ये रियलिटी है। नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इसे 500 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। क्या 500 किलोमीटर चार्ज पे? एक चार्ज करने पर एक दफा फुल चार्ज करें और 500 किलोमीटर का सफर। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, साडा तेल नहीं पूरा हो रहा। गड्डियां बनाई जा रही 3 मिनट में फुल चार्ज ते 500 किलोमीटर। सर गाड़ी ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए में एक्सपेक्टेड प्राइस है। यार नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो यार पाकिस्तान में ये कटारा मेहरान नहीं मिलेगा आपको। यार ये क्या कह रहे हैं सर, ये गाड़ी आपके हमसाया मुल्क इंडिया में और वहाँ पे इसकी प्राइस 30 लाख रुपया एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। ओ मैं तो 20-25 करोड़ का सोच रहा था इसके बारे सर, में सर मुझे मेरा आज का सवाल है आपके साथ गाड़ी से रिलेटेड, मुझे बताएं गाड़ियों का शौक है आपको? व्हाई नॉट, बिल्कुल हर किसी बंदे को होता है क्रेज आए ये भी। वाओ कौन सी गाड़ी पसंद है पहले ये बताएं। अच्छा मुझे ज़्यादातर जो है फरारी। ठीक है वो तो अपने नसीब में पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, लेकिन यह मेहनत जारी है, मेहनत जारी है इंशाल्लाह हो किसी सकता। किसी वक्त में जाके इंशाल्लाह। हाँ क्यों नहीं इंशाल्लाह। अच्छा और उसकी प्राइस क्या है अंदाजन? ये तो नहीं मुझे पता है, कोई आइडिया तो होता है ना कि यार मेरे क्रेज है। आई डोंट नो, मेरे इल्म में 9 लाख 10 लाख नहीं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो महंगी गाड़ी है। महंगी गाड़ी है जैसा कि आपने कहा कि वो गाड़ी महंगी है। आज मैं आपको एक गाड़ी दिखाने चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक भी आज गाड़ी से रिलेटेड है। आपने मुझे गाड़ी देख के बताना है कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी लुक वाइज और इंटीरियर वाइज। गाड़ी चेक करें पहले, सबसे पहले तो आप गाड़ी की लुक देख के मुझे बताएं, ज़रा अपना फीडबैक दें कैसी गाड़ी लगी आपको। फ्रंट बैक गाड़ी है ना लश बश, कमाल की गाड़ी है यार। ये तो रेंज रोवर्स की कॉपी बल्कि उससे भी आगे जिस तरह टेस्ला ने बनाई है आई थिंक सो उस तरह की लग रही है। और लेविश गाड़ी है यार, ज़बरदस्त गाड़ी है। अच्छा सर जैसे कि अभी आपने ये गाड़ी देखी है वो इस गाड़ी की कीमत कितनी होगी, कोई आइडिया आप अपना एक लगा दीजिएगा। आई थिंक सो ये 7-8 करोड़ रुपये की तो होगी। आपने बताया ये गाड़ी 7-8 करोड़ की होगी जी, लेकिन सबसे बड़ा इसका एक एज आपको बताऊँ, ये गाड़ी है इलेक्ट्रिक। जी जी और इसमें एक दफ़ा फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं, यानी कि टेस्ला के मुकाबले की गाड़ी है। जी जी तो फिर इतने की तो होगी ना। अच्छा आपने बताया जैसे कि आपने प्राइस बताई है, लेकिन सर एक दफ़ा इसको चार्ज करना है मैक्सिमम भी अगर आप चार्ज करें ना तो 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। वाह यार ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका क्या बचाएगी, फ्यूल बचाएगी और 500 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप कहीं पे भी अगर कहीं रुक भी जाते हैं 50 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए तो मैक्सिमम 30 मिनट में ये फुल चार्ज कर यार देगी। जितने करोड़ मैंने बताया आई थिंक सो उतने करोड़ में तो ये फैसिलिटीज तो होंगी। हाँ बनती है, लेकिन सर ये गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए में। क्या 30 लाख रुपए में? नहीं यार ऐसा तुम मजाक कर रहे हो। सर मजाक नहीं कर रहा, रियली ये रियलिटी है। नहीं यार ऐसा हो ही नहीं सकता, आप प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं सर प्रैंक क्यों करूंगा मैं, दिखाएं कितने की है, सिर्फ 30 लाख? 30 लाख नहीं यार कसम से यार। यार दिखाएं गाड़ी है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की। यार बहुत आला यार लेवल यार। सर ये गाड़ी अभी जो के इस पे काम जा रही है और ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी, अभी लॉन्च नहीं हुई। यार आई थिंक सो मैं कहता हूँ इससे बेस्ट और क्या होगा, हमारे यहाँ पे 70 से 80 लाख के राउंड अबाउट जो है फॉर्च्यूनर मिल रही है जो कि थकी हुई गाड़ी है और उसमें पेट्रोल फ्यूल अगर आप देखें तो उसकी तो मैं समझ लें कि दिन का को 3,000-3,500 का खर्चा है। सिर्फ मुझे ये बताएं कि इसका आपको लुक देख के कैसे गाड़ी यार है? मैं कहता हूँ कि टेस्ला का मुकाबला, मैंने आपको पहले कहा मैं कहा शायद आप टेस्ला दिखाने जा रहे हैं तो मैंने आपको कहा ये बिल्कुल एज इट इज़ टेस्ला की तरह लग रही है और इसकी इतने से इतने करोड़ पे में प्राइस होगी, लेकिन आई एम शॉक्ड फॉर देट कि यार ये इतनी सस्ती गाड़ी है और इतनी सस्ती गाड़ी इतनी लेविश किस्म का इसका इंटीरियर है एक्सटीरियर है, उसके बाद सबसे बड़ी फैसिलिटी है कि यार सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में चार्ज करती है और पेट्रोल फ्यूल का चक्कर ही खत्म है। खत्म और 500 किलोमीटर के चलाएं आप पोल्यूशन भी खत्म, 15 मिनट भी चार्ज करें तो समझिए कि आपने 25 किलोमीटर जो है 250 किलोमीटर इजीली जो ट्रैवल। आई थिंक सो यार इंडिया वालों तुम लोगों को इस तरह की फ्री में चीज़ें मिलती हैं
भाई ऐसे नसीब कहाँ से लिखवा के लाए, पहले मुझे ये तो बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शेख जाबिर है। शेख जाबिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख जाबिर, अभी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मुझे ये बताएं कि गाड़ियों का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा शौक है। कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? मेरी पसंद के गाड़ियों में एक दो नहीं बल्कि बहुत हैं। जापानी हैं, जर्मन हैं, स्वीडन के हैं, वोल्वो है स्वीडन का, और जापान के लेक्सेस हैं, टोयोटा में जो लेक्सेस आया हुआ है V8 वाले, और BMW है जर्मन के, और मर्सिडीज़ भी है जर्मन। ये गाड़ी जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा छूती और आपको पसंद हो? 70 यार मेरे पसंद के अगर आप पूछोगे तो मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ मर्सिडीज़ बेंज को। ठीक है। 600S और मैंने बहुत चलाया उसे दुबई में। ठीक है। और तकरीबन 2.5-3 साल मेरे पास था। अंदाजन उसकी प्राइस क्या है जो आप मर्सिडीज बता रहे हैं? उसकी अभी अगर आप पाकिस्तान में अगर प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में कोई 16-18 करोड़ के लगभग होगा। 16-18 करोड़? जी जी जी, टैक्सेस के साथ। टैक्सेस के, लेकिन वहाँ आपको 6 करोड़ में मिलेगा पाकिस्तानी। ठीक है, गाड़ी से रिलेटेड तो मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, आपने ये गाड़ी देखनी है और गाड़ी देख के लुक वाइज इंटीरियर वाइज देख के मुझे बताना है कि गाड़ी आपको कैसी लगी। ज़बरदस्त गाड़ी है। ये कौन सी है सर? मैं आपको बताता हूँ, अभी सिर्फ आप गाड़ी देखें और ये इंटीरियर देखें कि गाड़ी आपको कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त यार ये लुक वाइज, किस गाड़ी के साथ? ये तो बहुत ज़बरदस्त है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इसे। और सर ये गाड़ी आप देखेंगे तो आप वाकई हैरान रह जाएंगे जिस तरह के इसके अंदर फंक्शन है और गाड़ी का इंटीरियर है, लुक है। अच्छा, ये भी आप देखें ज़रा गाड़ी, मुझे बताएं गाड़ी पसंद आई है वैसे? ज़बरदस्त यार, ये तो जस्ट ड्रीम कार लग रहा है मेरा। रियली गाड़ी अच्छी है। ओह ज़बरदस्त यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। मैंने दुनिया में हर गाड़ी चलाई है लेकिन मैं इसको तो पहली बार देख रहा हूँ ये वाली गाड़ी। सर ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और सर एक दफ़ा फुल चार्ज करने पर ये 500 किलोमीटर तक जो है वो सफ़र कर सकती है। एक चार्ज पे 500 किलोमीटर? जी जी। ये है कहाँ की? सर मैं अभी बताता हूँ आपको। सर ये एक दफ़ा चार्ज करेंगे और आप एक दफ़ा चार्ज करने के सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टाइम 30 मिनट है बस। बस और 500 किलोमीटर चले? जी। ये तो यार अमेजिंग बात बता रहे हैं आप, तो ये नामुमकिन है बिल्कुल यार, ये तो हैरानी की बात है। अच्छा सर ये गाड़ी है आपके हमसाया मुल्क इंडिया की टाटा एविनिया के नाम से, एवी इलेक्ट्रिक, जो कि ये गाड़ी 2025 तक लॉन्च कर दी जाएगी, अभी इस पे काम जारी है। ये इंडिया वालों ने बनाया? जी जी सर, इंडिया वालों ने। ये यार ये टेक्नोलॉजी तो जापान वालों ने अभी तक ईजाद नहीं किया। सर ये गाड़ी जो है 2025 तक इंट्रोड्यूस हो जाएगी मार्केट में और बकायदा आप इसको देख सकते हैं रोड पे, और अभी इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी नई से नई इनोवेशन देखे तो आप स्पेशली टाटा की और महिंद्रा की बहुत ज़बरदस्त नई गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यार अजीब बातें आप बता रहे हैं। अंदाजन, अंदाजन इसकी प्राइस क्या होगी? चलें ये बता दें मुझे। ये तो खैर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन ये अजीब शय लग रहा है मुझे, ये मेरे ख्याल में 20 करोड़ तक होनी चाहिए पाकिस्तानी। 20 करोड़ आप हाँ, बता रहे हैं? हाँ, ये चीज़ जैसा आप बता रहे हैं, ना पेट्रोल ना डीजल ना कुछ, और सिर्फ चार्ज करो 500 किलोमीटर चलो। और गाड़ी की शेप देखे वैसे देखें लगता है, उसकी लुक वाइज देखें यार अजीब है ये। और सर ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए में एक्सपेक्टेड प्राइस है यार? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो यार पाकिस्तान में ये कटारा मेहरान नहीं मिलेगा आपको यार, ये क्या कह रहे हैं। 30 लाख रुपए की गाड़ी बता रहा हूँ, कन्फर्म पक्की बात है जी। सर ये गाड़ी आपके हमसाया मुल्क इंडिया में और वहाँ पे इसकी प्राइस 30 लाख रुपया एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। ओह मैं तो 20-25 करोड़ का सोच रहा था इसके बारे सर में। सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप ये गाड़ी इसके हवाले से आप देख रहे हैं या नई से नई इनोवेशन देख रहे हैं इंडिया के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? मैं कहता हूँ भाई इंडिया वाकई हमसे बहुत आगे है, बहुत, हम लोग बहुत पीछे हैं उनके, बल्कि यानी उनके ग्रुप में शामिल नहीं है, उस बागदौड़ में, उस रनिंग में या उस मजमा में हम शामिल ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल उस सफ में हम शामिल नहीं है बस। कब तक शामिल हो जाएंगे? कब तक? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तक तो दुनिया खत्म हो जाएगी, उससे पहले नामुमकिन है इस कौम के जो रवैये में देख रहा हूँ ना, यानी कि ये एक दफ़ा ना इसको ख़त्म करके पूरी जनरेशन चेंज होनी चाहिए। यही है और कुछ नहीं, और क़यामत तक इंशाल्लाह ये नहीं पहुंचेगा, इंशाल्लाह भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, क़यामत तक किसी से उम्मीद नहीं है? किसी से भी नहीं।
अब 75 साल से फ्री ट्रेड कर रहा है इंडिया। इंडिया फ्री ट्रेड के अलावा मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि चाइना से कंपनी जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो चुकी है। एप्पल है बिल्कुल, और बड़ी बड़ी कंपनी ऊडी वहाँ गए हैं, पता नहीं और कौन सा जर्मन कंपनी है। चाइना की पहले की निस्बत जो जितना उसका अच्छा रेवेन्यू आ रहा था बहुत कम हो गया, अब इंडिया जो है वो बीट कर रहा है चाइना को। अब देखो उनकी पॉलिसी देखो, क्यों इंडिया को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्यों तरक्की करता हुआ देख रहे हैं, क्यों? वो लोग हॉनेस्ट हैं, उनके पास हॉनेस्ट लोग हैं। हमारे पास हर कोई शॉर्टकट और रबिश सिस्टम है इनका, और बस चोर और डकैत वाला जहन है। तो जी सर, ये कौन सी गाड़ी है? सर गाड़ी मैं आपको बाद में बताता हूँ ये कौन सी है, पहले लुक वाइज गाड़ी चेक करें और इंटीरियर चेक करें। यार मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं ऐसी पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ऑडी का सामने शोरूम है इधर, बिल्कुल साथ में रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे ऑडी का शौक है, तो मैं रोज़ वो देखता हूँ। सर इस गाड़ी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सी गाड़ी ऐसी तो मैंने कभी देखी नहीं, कमाल की बनाई हुई उन लोगों ने। सर ये गाड़ी आप करेंगे किसके साथ कंपेयर? कंपेरिजन बनता ही नहीं है इसका। आप मुझे खुद बताएं इसका कंपैरिजन बनता है? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ऑडी के शोरूम के सामने से रोज़ गुजरता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ, क्योंकि मेरी एक हसदत है ऑडी गाड़ी की, लेकिन वो भी इस तरह की नज़र नहीं आती मुझे। अच्छा सर ये गाड़ी जो है ना आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की गाड़ी है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। मैं समझ रहा था कि अमेरिका या शायद किसी और मुल्क ने बनाई हो इतनी ज़्यादा, इंडिया ने ये बना दी है और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक है। और सर इसमें मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, क्या बात है, एक दफा ये चार्ज करें और ये 500 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। क्या 500 किलोमीटर चार्ज पे, एक चार्ज करने पर एक दफा फुल चार्ज करें और 500 किलोमीटर का सफर करें। नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। और सर दूसरी बात ये, इसमें सबसे आसानी चीज बताऊँ आपको क्या चीज है, 30 मिनट में फुल चार्ज, फास्ट चार्जिंग। ये इन लोगों ने खुद बनाई है? जी ये 2025 में लॉन्च करने जा रहे हैं, इस पे वर्किंग जारी है। साडा तेल नहीं पूरा हो रहा, गड्डियां बनाई जा रही हैं 3 मिनट में फुल चार्ज, तो 500 किलोमीटर सर गाड़ी। अच्छा सर अंदाजा यकीन करें, वो पाकिस्तान इंडिया की दुश्मनी और ये सारी चीज़ें हट के, नफरत जो भी है उससे हट के, बहुत 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 एक आउटस्टैंडिंग चीज़ है। और जो इन लोगों ने ये कोशिश की है, क्योंकि अगर इंडिया ये बना लेता है ना उस पर कामयाब हो जाता है, तो दुनिया को भी इस चीज़ से फ़ायदा होगा। मैं इस चीज़ से देख के इतना ज़्यादा खुश हुआ हूँ, और वो मेहनत कर रहे हैं। सर इस गाड़ी की प्राइस क्या होगी, जैसा कि आपने इतनी ऑडी से ही अच्छी लग रही है, तो ऑडी से ज़्यादा ही बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि 6-7 करोड़ तक तो होगी ना ये वाली गाड़ी, क्योंकि इतने कमाल का उसका इंटीरियर है। और अब दूसरी आप सबसे जो बड़ी बात है, आप 30 मिनट में से चार्ज करो 500 किलोमीटर तक चले जाएँ, तो भाई जान इन्हें तो पेट्रोल जोड़ा है ना 500 का पेट्रोल, तो पाओ गए तो लोहरों बाहर नहीं जा सकते। अच्छा सर इसमें सबसे खूबसूरत बात बताऊँ, इस गाड़ी की कीमत क्या है? फिर मैंने वही बताया, आपने बताया ना इस गाड़ी की कीमत है 30-35 लाख रुपया। नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता, चोरी में देते हैं सर, ओरिजिनल प्राइस है ओरिजिनल। नहीं ये चोरी में देते हैं गाड़ी, वो एक चीज़ होती है ना वो बड़ी महंगी होती है, किसी को आईफोन मिल जाए ना कहीं बाजार में पड़ा हुआ तो किसी को खुश होता है, वो बेचने जाए ना कहना भाई असी चोरी वाले माल से लेना है, 3 लाख का होगा ना तो उन्होंने 1.5 लाख का मिलेगा, मतलब देगा बेचेगा पैसे नहीं मिलेंगे। तो यह फिर मैंने लगता है अगर ये 30 लाख की मिल रही है ना, तो फिर चोरी का माल है, ओरिजिनल इन्हें गाड़ी नहीं मिल सकती। जितना अच्छा इसके शीशा लगा हुआ है इंटीरियर है, 30 लाख का तो वही होना है, बाकी चीज़ें देखिए प्राइस है। अभी ये जब 2025 में लॉन्च होगी तब आप देखेंगे इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होती है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड यही आ रहा है कि ये 30 लाख तक गाड़ी है। मैं यही कहूँगा पाकिस्तान जो है और दूसरे ममालिक हैं, ऑटोमेटिकली जब कोई मुल्क तरक्की करता है तो एप्रिसिएशन जो है वो बनती है क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं आपने दिखाई। मैंने जब अपना अंदाज़ा लगाया तो मैंने करोड़ों में अंदाज़ा लगाया, और आपने सिर्फ 30 लाख बता के मेरी जो है शॉक कर दी है। इस वक्त मैं यानी कि होशो हवास जो है ना गुम हो जाती है, ज़मीन निकल गई है पैरों से, यार कैसे हो सकता है 30 लाख की गाड़ी। और गाड़ी तो बाकी ये है कि आई थिंक सो कि एप्रिसिएशन बनती है, जो लोग भी लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत बेस्ट आइडिया है, और इस आइडिया के ऊपर पाकिस्तान में काम होना चाहिए, बांग्लादेश में काम होना चाहिए, और अफगानिस्तान और जो अच्छे ममालिक हैं जो हमारे हमसाए ममालिक हैं एशिया के जितने भी हैं उनमें काम होना चाहिए। और आई थिंक सो कि यार तुम लोगों का सोने का जो है ना चम्मच है, तुम वो लेके पैदा हुए हो, इस तरह की इन्वेंशंस मिल रही हैं और फ्री खाते में मिल रही हैं, तो इसको एंजॉय करो, खुश नसीबो लूटो। ओके, हमारे भी नसीबों में कभी आएगा इस तरह की गाड़ी। ओके सर।